इंस्पेक्टर विजय, आई एम प्राउड ऑफ यू कि मैं तुम जैसे जाबाज ऑफिसर का कमिश्नर हूं जो जान हथेली पर रखकर कानून की रक्षा करते हैं। सर, हम तो फर्ज के नाम पर सर पे कफन बांध कर चलते हैं, न जिंदगी की फिक्र होती है और न ही मौत का ख्याल आता है। विजय, तुमने इतना जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया है कि तुम्हारी काबिलियत की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तुम जैसे ऑफिसरों की तरक्की तो होनी चाहिए। गेट मी द मिनिस्टर प्लीज। हेलो सर, नमस्कार, मैं कमिश्नर मलिक। हाँ कमिश्नर, बोलो क्या बात है। सर, आपने अखबार तो पढ़ा होगा, हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर विजय का कारनामा। सर, अगर हमारे देश का हर एक सिपाही इसी तरह अपना फर्ज निभाता रहा तो हमारे देश में न मुट्ठी भर मुजरिम रहेंगे और न ही चुटकी भर कोकेन। सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्पेक्टर विजय की तरक्की के लिए कुछ करें तो हमारे डिपार्टमेंट का नाम रोशन होगा। कमिश्नर, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझसे जो भी हो सकेगा मैं विजय की तरक्की के लिए जरूर करूंगा। अरे यार, तेरी डेरिंग को तो दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। वाकई अपने जान की बाजी लगाकर तूने इतने बड़े जुर्म का शिकार किया। दोस्तों, मेरी इस कामयाबी में तुम सब मेरे बराबर के साथी भी हो और बराबर के हिस्सेदार भी हो। चीयर्स टू यू। अरे ये तो तेरा बड़प्पन है कि तू अपनी कामयाबी का सहरा हमारे सर बांध रहा है। मगर तेरी दहशत से अब इस शहर में चुटकी भर भी कोकेन नहीं। गुड इवनिंग ऑफिसर्स। आइए आइए जर्नलिस्ट साहब, आइए, अब देखना बाल की खाल निकालेगा। भाई वाह, क्या जोरदार थप्पड़ मारा है जुल्म के मुंह पर आप लोगों ने। जर्नलिस्ट साहब, उसी की खुशी में तो ये महफिल जमी है। इसी की खुशी में तो मुबारकबाद देने आए हो आप लोगों को। तो जाए दारू हो जाओ भाई ना। भाई विजय साहब, जुर्म के पैरों को कोई नहीं तोड़ सकता। इस शहर में कोकीन आएगी और जरूर आएगी। हाँ शेखर साहब, हमने जुर्म की ऐसी हड्डी पसली एक कर दी है कि अब वो कोई हरकत नहीं करेगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है। देख लेना हाथ कंगन को आरसी के। है आखिरी बोतल खत्म, मतलब नहीं? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। बोलो, मैं आप लोगों के पास आऊंगा और जरूर आऊंगा उस वक्त जब इस शहर में कोकीन आएगी, समझे? गुड बाय। जाओ जर्नलिस्ट, तुम्हारी बीवी तुम्हारा घर पर इंतजार कर। क्या हुआ? 5 बजे सुबह के और मेरे घर पे मेरे 12 बजने वाले। सी यू बॉयज। गुड मॉर्निंग डैडी। बेटे, आपकी मम्मी कहाँ है? किचन में। अच्छा, क्या कर रही है? आपको याद करिए। यानी आज फिर लेट आने की सजा मिलने वाली है? लगता है तो ऐसा ही है। मेरे बाप, मुझे अपनी माँ से आज बचा ले। उनसे कह देना कि मम्मी, आपकी आंख लगते ही डैडी घर पर आ गए थे और आपकी नींद डिस्टर्ब न हो इसलिए अपने सनी बेटे के साथ सो गए थे। इतना झूठ बोल लेगा ना डैडी? ये फॉर्मूला बहुत पुराना है। अरे तो तू कोई नया फॉर्मूला ढूंढ निकालना मेरे बाप। नो चान। मतलब आज गड़बड़ है, है? यानी तुम्हारी मम्मी का गुस्सा बादलों की तरह गरजने वाला है, है? तूफानी बारिश की तरह बरसने वाला है और बिजलियों की तरह करकने वाला है, है? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। धर्म पत्नी, एक कप चाय मिल सकती है गर्मा गर्म और एक ऑमलेट, 2 अंडों का। अभी लाती हूँ। थैंक यू। सनी बेटे, आज तो घर में काफी शांति काफी खामोशी छाई हुई है। डैडी, तूफान आने से पहले खामोशी छा जाती है। अरे क्यों डरा रहा है मुझे मेरे बाप? मतलब आज अंडा नहीं मिलेगा? नहीं, डंडा मिलेगा। अरे क्या करता है यार ये क्या है? ये क्या है? अंडों का नहीं, दंडों का ऑमलेट। अच्छा। और गरम गरम चाय नहीं,
अब तुम करोगे हाय हाय। जाने का बचाओ रे बचाओ बचाओ बचोगे। अरे 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 लेके मेरा कसूर क्या है धर्मपत्नी? अपने घर वालों को इंतजार करवाना। तुमने कहा था फिल्म देखने चलेंगे, तैयार रहना, खाना टेबल पे सजा के रखना, मुन्ने को दूध पिला के सुला देना, गाड़ी में पेट्रोल भरवा देना। ये दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए लेकिन ये प्रोग्राम यहाँ से वहाँ नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट। अरे धर्मपत्नी, तुम अगर अंडों की जगह डंडों का आमलेट खिलाओगी तो बेचारी पुलिस कौम का क्या होगा? अरे आजकल चोरों और स्मगलरों का कोई भरोसा नहीं, वो साले खुद हम पर नजर रखते हैं। देखो तुम्हारा और हमारा प्रोग्राम था पिक्चर का, मगर वहाँ पर प्रोग्राम बन गया स्मगलर का। तुम यहाँ पर हीरोइन बनी बैठी थी और वहाँ करोड़ों की हीरोइन जा रही थी। यहाँ तुम्हें इंतजार था और वहाँ कानून के सिरे पे वार था। आज मैं तुम्हारी कोई शायरी नहीं सुनूंगी। अगर मेरी बहन भारती यहाँ मौजूद होती तो वो मुझे जरूर बचा लेती। भारती भारती भारती, कहाँ हो तुम भारती? भारती मेरी बहन भारती। दीदी आज तो इतनी एक्सरसाइज करवाई कि पूरा बदन दर्द कर रहा है। नो पेन नो गेन बेब। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। गोरे गोरे मुकड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुकड़े पे काला काला चश्मा, खो खुदा खैर करे खूब है करिश्मा। गोरे गोरे मुकड़े पे काला काला चश्मा। ये गोरे गोरे गा, ये गोरे गोरे गा। आओ सुनिए। हाँ सुनाइए। ये सीट वैसे मैंने इनके लिए खाली की थी। इनसे इतनी हमदर्दी और इनसे तीन स्टॉप पहले हम चढ़ोगे, हमसे कोई हमदर्दी नहीं? आप ये सीट खाली करते हैं या नहीं? सीट क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा। गर्ल्स ऐसे छिछोरे लोगों से अपनी रक्षा कैसे की जाती है ये मैंने आप लोगों को थ्योरी में सिखाया था। आज प्रैक्टिकल्स में देख लेना। ओके मेरी अप्सरा, ओ मेरी खूबसूरत बला, ओ मेरी हूर, अब तो कर ले मेरी मोहब्बत मंजूर। कि तेरी आंखें नहीं चौधरी के दो दो चांद हैं, ये होंठ नहीं मेरे प्यार की चौखट है, तेरा गाल नहीं मेरा इश्क का रेशमी रुमाल है, अब तो बन जा मेरी, अब तो बन जा मेरी। छड़ा, ए छड़ा। भैया डिस्टर्ब मत करो, प्यार की पूजा हो रही है। कितनी पूजा करेगा तू लौंडिया की? अरे पगले, इतनी पूजा तो महादेव की किया होता ना तो ऊ भी साक्षात तू का दर्शन दे देते। देगी भैया, ये भी देगी, और दर्शन नहीं अपना पूरा जीवन दे देगी। लल्ला, पूरे शहर में तुम्हारे भाई की धाक का सिक्का जमा है, अगर तुम चाहो तो ई लौंडिया को एक ही चुटकी में हम। नहीं भैया नहीं, प्यार में मर्जी से काम होने में जो मजा है ना, वो जबरदस्ती में नहीं है। मैं इसको मनाऊंगा पटाऊंगा
अपनी बाहों में झुलाऊंगा इसको। ऐ मेरी अप्सरा, ऐ मेरी खूबसूरत बला। Thank you.
नजदीक जाओगे तो जल जाओगे। शोला है शोला, छुओगे तो धुआं बनकर उड़ जाओगे। ये तो समस्या है, इसे उलझाऊंगा भी मैं और सुलझाऊंगा भी मैं, क्योंकि मेरा नाम है छेड़ा। मैं येड़ा बनकर खाता हूं पेड़ा। अरे कमाल है, ये क्या नया आइटम है भाई? अरे रात घर ना आने पर डंडा ऑमलेट समझ में आता है, मगर रात भर घर के पलंग पर सोने के बाद भी यहाँ पर डंडे, कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझाती हूँ भैया, आज आपकी शादी की सालगिरह है। अच्छा, तो क्या मुझे मुबारकबाद देने के लिए डंडे यहाँ पर बिछाए हैं? जी नहीं। तो आपको खबरदार और होशियार करने के लिए। अच्छा। कि अगर आज आप ड्यूटी के नाम पर जरा भी यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ हुए तो ये डंडे आप पर कहाँ कहाँ पड़ेंगे ये आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। जानता हूँ मैं इन डंडों को? कैसे, क्या ये डंडे मेरे रिश्तेदार हैं? भैया ये वही डंडे हैं जो ऑमलेट में अंडे की बजाय डंडे की शक्ल में भाभी के हाथों आपको मिलते रहे हैं। इतनी अंदर की बात तुमको किसने बताई है? है मेरा एक जासूस 007। समझ गया। शादी की सालगिरह मुबारक हो भैया। थैंक यू। ये सालगिरह मुझे हमेशा हमेशा। देखिए आज आप हम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हाँ मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे शादी की सातवीं सालगिरह आपको मुबारक हो। थैंक यू। आज दिन भर के लिए मैं आपके साथ ही हूँ। और अगर बीच में कोई काम आ गया तो डंडे मिलेंगे डंडे। आंटी। भगवान इस घर को हमेशा ऐसी खुशियों से सजाए रखना। अरे भाभी भूल गई, आज पार्टी है, तैयारी करनी। चलो चलो चलो। संभल के सचिन यहाँ। अरे भाई शादी की सालगिरह मेरी एक कमाल कर रहा है।
मोहब्बत शुरू हुई थी लाल किले में। प्यार की शुरुआत में जो पहली फिल्म हमने देखी थी उसका नाम था लाल पत्थर, और मोहब्बत में गुलाब का फूल जो तुम्हें दिया करता था उसका रंग भी लाल था। मुझे मालूम है बाबा, तुम्हें लाल रंग बेहद पसंद है ना? अगर तुम्हें मालूम है तो ये ऑरेंज रंग का जोड़ा क्यों पहना आपने? तो फिर जल्दी से शादी का लाल रंग का जोड़ा लेकर आओ और मुझे पहना दो। उसके बाद तुम्हारे महीने भर की कमाई से मैं सिवाय लाल रंग के शॉपिंग के और कोई चीज नहीं खरीदूंगी। अरे नहीं नहीं, शॉपिंग मैं तुम्हारे लिए करके आया हूँ। क्या? हाँ, ये देखो। सूरज, मुझे लगता है मेरी बहन को तुम्हारी पसंद का ये लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। जो इनको पसंद वो मुझे पसंद। आंटी जी, अगर अंकल को मेरा अंकल बनाना है ना, तो जल्दी से लाल जोड़ा पहन कर आ जा और बन जा लाल छड़ी में दान करी। भारती, तुम उसी के बारे में सोच रही हो जो तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचता। एक बार अपना रुख मोड़ा तो दोबारा मुड़कर कभी नहीं देखा उसने। मुझे पूरा यकीन है भैया, वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। भारती, मैं तुम्हारे जज्बात की गहराइयों को समझता हूँ, कदर करता हूँ तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की। फिर भी मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम अपनी पलकों से कभी न मिटने वाले इन आंसुओं को हमेशा हमेशा के लिए मिटा क्यों नहीं देती भारती? देखो भारती, जो आंखों के सामने है उसे दिल में जगह देना ही अकलमंदी है, और जिंदगी के इन हसीन दिनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये रिश्ते दिलों के होते हैं, भावनाओं के होते हैं। मैं उनके अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। दुनिया वाले भी सूरज का इंतजार करते हैं, मगर बादलों पर हल्की हल्की लाली छा जाने के बाद। मगर तुम्हारी जिंदगी में तो दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है। भैया, अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। मैं तो कयामत की रात तक सूरज का इंतजार करती रहूंगी। यार, पार्टी का तो मजा आ गया। अब मैं चलता हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। मिनिस्टर साहब, और यहां
जनता की हर जरूरत को पूरा करना हम मंत्रियों का कर्तव्य है। पुलिस वाले कह रहे थे कि शहर में चुटकी भर भी कोकीन नहीं आएगी, पर ये तो जनता के साथ बड़ी ज्यादती है। हम जैसे मंत्रियों के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? कानून की परछाई और पॉलिटिशियन का शरीर मिल जाए तो कोई खौफ नहीं होता। आंख बंद करके कुछ भी कर लो, पूरे 2 करोड़ की कोकीन है। इसका वीडियो कैसेट अपने कब्जे में करके इसे खत्म कर दो। जाओ। टैक्सी, टैक्सी! जल्दी चलो, जल्दी चलो। सचिन बोल रहा हूँ, विजय घर पर है? एक मिनट। हाँ सुनिए। क्या है? सचिन का फोन है। लगता है इस दुनिया में आज हमने बहुत कुछ खोया है सर। विजय, अगर तुमने एक सच्चा दोस्त खोया है तो कानून ने भी एक वफादार सिपाही खो दिया। कमिश्नर साहब, इतनी कम उम्र में चला गया बेचारा, उसने अब तक दुनिया में देखा ही क्या था, ना शादी की, ना घर बसाया और चल बसा। ऊपर वाली की मर्जी के आगे हम और तुम कर भी कह सकते हैं। सर, सर आज एहसास हुआ है कि बिछड़ने का गम क्या होता है। विजय, तुम अपना दुख तो प्रकट कर सकते हो, पर मैं, अरे मैं तो अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा हूं। तुम नहीं जानते कि सचिन के साथ मेरा कितना गहरा और अटूट रिश्ता बन चुका था। वो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। सर, उसकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उसके कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जब तक उसके कातिलों को ढूंढ कर मैं फांसी के तख्ते तक न पहुंचा दूं, मैं खामोश नहीं बैठूंगा सर। मैं उन जालिमों तक पहुंच कर रहूंगा सर। भाई का नाम विजय कुमार है। जी हाँ साहब, 2 दिन पहले एक साहब हमारे टैक्सी में आके बैठे रहे, वो हमका एक कैसेट दिए और यहाँ का पता बताई दिए। किसने दिया है कैसेट?
साहब नाम तो नहीं पता, मगर उसकी जान के पीछे एक गाड़ी लगी रही। मारे डर के तो हम 2 दिन से घर से बाहर ही निकले साहब। आज हिम्मत बधाई के आप कोई कैसेट देने आए हैं। साहब ये कैसेट लो और हमार जान को बख्शो। जयराम जी की। रीमा जरा लाइट बंद करो। जी अच्छा। वाले कह रहे थे कि शहर में चुटकी भर भी कोकीन नहीं आएगी। अरे ये तो जनता के साथ बड़ी ज्यादती है। हम जैसे मंत्रियों के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? कानून की परछाई और पॉलिटिशियन का शरीर मिल जाए तो कोई खौफ नहीं होता। आंख बंद करके कुछ भी कर लो, पूरे 2 करोड़ की कोकीन है। कौन है? इसका वीडियो कैसेट अपने कब्जे में करके इसे खत्म कर दो। चाहो सनी, पहले इस कैसेट को हाथ मत लगाना। क्यों? ये तो हमारी पार्टी की कैसेट है, इसमें हम भी तो है। हाँ बेटे, लेकिन ये बहुत खास कैसेट है। ओके, इसे हाथ नहीं लगाना। शाबाश। हेलो सर, मैं आपसे फौरन मिलना चाहता हूँ। सर, सचिन के कातिलों का पता चल चुका है। सचिन के कातिल? Are you sure? मेरे हाथ एक सबूत लगा है, एक वीडियो कैसेट। विजय, तुम घर पर रहो, मैं फौरन वहां आ रहा हूं। सनी, 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 वो कैसेट मुझे दे दो। देखो बेटे, वो सनी बेटा, सनी, सनी, क्या हुआ? अरे किधर गए? क्या हुआ? अंधेरा क्यों है? कौन है? Oh!
मुन्ना, 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 सनी, 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 मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना बोल कौन आया था यहाँ? हाँ, यहाँ कौन आया था मुन्ना? तू मेरा दोस्त है ना? डरो मत, डरो मत, बता कौन आया था यहाँ? हाँ, हाँ, बता। मुन्ना, तू बोलता क्यों नहीं? हाँ, मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना तू बोलता क्यों नहीं? तू बोलता क्यों नहीं? तू बोलता क्यों नहीं? क्या हो गया? ये बात नहीं कर रहा है। देखिए, ये बोलता क्यों नहीं? ये बोलता क्यों नहीं? ये बोलता क्यों नहीं? बोलता क्यों नहीं? ये बोलता क्यों नहीं? Thank you.
जिसका तुम्हें जवाब देना है। क्या है ये? सफेद जहर, हेरोइन, कोकीन। लेकिन इस सवाल से मेरा क्या संबंध है? संबंध बहुत गहरा है। तुम्हें सब पता है। बताओ इन तमाम चीजों के बारे में तुम क्या जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती। झूठ बोलती हो तुम। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें सब पता है। इस जहर का नाम, दाम, फायदा और नुकसान कहां से आता है, कहां जाता है, किन किन लोगों को यहां तुम इसे पहुंचाती हो? Come on, come on, tell me! आप लोग क्या पूछ रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानती। आखिर आप लोग कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम्हारा भाई वर्दी की आड़ में देश का एक गद्दार था। क्या? वर्दी पहनकर वो नशीली दवाओं का बिजनेस चलाया करता था। नहीं, मेरे भैया ऐसा गिरा हुआ काम कभी नहीं कर सकते। ये काम उसने किया है। लेकिन मैं ये नहीं मान सकती। उसने रुपया कमाने के लिए सब कुछ किया है। और तुम्हें ये भी बताना है कि उसके साथ मिले हुए लोग कौन कौन है। ये इल्जाम है उन पर। तुम्हारा भाई कानून का शर्मनाक रूप था। ये कोकीन कहाँ से आती है? कौन लाता है? किस किस से कांटेक्ट है तुम्हारा? बोलो, कम ऑन, टेल मी, जवाब दो। तुम्हारा भाई कोकीन कहाँ से लाता था? बोलो, बोलो, कम ऑन, टेल मी, बोलो, कम ऑन, बोल दीजिए भाई, टेल मी, बोलो, जवाब दो। तलाश लो। तलाशी पूरी हो गई। कुछ मिला? नहीं। तलाशी आपने पूरी कहां की है? मेरे भाभी और भैया की अस्थियों की तलाशी अभी बाकी है, वो भी कर लीजिए। देखिए, आप बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही हैं, और कानून में जज्बात की कोई गुंजाइश नहीं होती। हम जो कुछ भी करेंगे कानून के दायरे में रहकर ही करेंगे। मैडम देखिए, जब तक आपके भैया सरकारी मुलाजिम थे ये क्वार्टर उनके कब्जे में था, मगर अब आपको ये खाली करना ही होगा। भारती, तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हें विजय के फंड के सारे रुपए नहीं दिला देता तुम मेरे साथ चलकर मेरे घर पर रहो। कमिश्नर साहब, आपकी हमदर्दी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने रहने का इंतजाम खुद कर लूंगी। भारती, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मांग लेना, मैं कभी तुम्हें इनकार नहीं करूंगा। वाह, अब हम घर वाले बाहर वाले हो गए। धर्म पत्नी का सारा ध्यान अपनी सहेली और दोस्ती की तरफ है, और पति चाय की पत्ती की तरह साइड में पड़ा हुआ है, ना पानी को पूछती है ना चाय को पूछती है। सूप की खुशबू यहाँ आती है और सूप वहां जाता है। इनकी तो आदत ही है, हमेशा यूं ही बस बड़बड़ करते रहते हैं। सुनिए जी, घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसी उठपटांग बातें करता है क्या? तुम इसे मेहमान कहती हो? अरे मैं बताऊँ किसने क्या? ये मेहमान है? अरे मेहमान घर की शान होता है, ये तुम्हें भी बदनाम करके मुझे भी। लेकिन ऐसा कौन सा पाप किया है मेरी सहेली ने? अरे सारा शहर जानता है कि इसका भाई वर्दी की याद में कोकेन और हीरोइन का धंधा करता था और ईमानदार का ढोल पीटता था। अजीब बकते है सब, बगैर राग के धुआं नहीं उठता समझे।
और अगर इस दहकते हुए अंगारे को अपनी छत के नीचे रखोगी और हमदर्दी का पंखा झलोगी ना, तो इस शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। अब बस भी करो, दो दिन के लिए मेरी सहेली क्या घर में आकर रुक गई, तुम तो उसकी सास बन बैठे। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते, कहिए। मैं मॉडर्न टाइम्स का जर्नलिस्ट हूँ, भारती जी से मिलना है। जी कहिए, क्या बात है? मुझे आपसे कुछ सवालात पूछने हैं। देखिए, इस वक्त मेरे सामने मेरी जिंदगी खुद एक सवाल बनकर खड़ी है। ऐसी परेशानी की हालत में मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। सुनिए, मुझे आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके भाई के बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि लोग उनकी ईमानदारी पे शक कर रहे हैं। और आप उस शक को यकीन में बदलना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि वाकई में वो वर्दी पहनकर स्मगलिंग किया करते थे, यही जानना चाहते हैं आप? क्या वाकई में वो देशद्रोही थे, यही सब जानना चाहते हैं ना? जी वो देखिए, भैया के बारे में सीबीआई वाले काफी गहराई से छानबीन कर रहे हैं। उनके बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी आपको सीबीआई वाले दे सकते हैं। सुनिए, आप इस तरह नाराज मत होइए। तो क्या करूं, मुस्कुराऊं, कह लगाऊं, आपकी बातें सुनो, जमाने की ताने सुनो, सब कुछ चुपचाप सहती रहूं, यही ना? अपनी बेबसी और बदनामी का जश्न मनाओ। जाइए जाइए यहां से। आई हैव नथिंग टू से टू यू। घबराओ मत भारती, सब ठीक हो जाएगा। अजी क्या ठीक हो जाएगा? आज अखबार वाले आए हैं, कल पुलिस आ जाएगी और सब भड़की हुई जनता हमारे घर में घुसाएगी और तुम्हें भी मारेगी और मुझे भी मारेगी, क्योंकि इसका भाई एक आदमी का नहीं पूरे समाज के दुश्मन था और दुनिया हमारी दुश्मन हो जाएगी। अखबार वाले आए हैं, कल पुलिस आ जाएगी और सब भड़की हुई जनता हमारे घर में घुसाएगी और तुम्हें भी मारेगी और मुझे भी मारेगी, क्योंकि इसका भाई एक आदमी का नहीं पूरे समाज के दुश्मन था। तुम्हारा भाई वर्दी की आड़ में देश का गद्दार था। वर्दी पहनकर वो नशीली दवाओं का बिजनेस चलाया करता था। ये काम उसने किया है? उसने रुपया कमाने के लिए सब कुछ किया है। और तुम्हें ये भी बताना है, तुम्हारा भाई कानून का शर्मनाक रूप था। ये कोकीन कहां से आती है? कौन लाता है?
हमें किसी भी कीमत पर वो कैसेट हासिल करना होगा। पूरे 10 लाख मिलेंगे, 10 लाख। अगर वो जर्नलिस्ट शेखर शिकारी कुत्ते की तरह सूंघता सूंघता इस केस की गहराई तक पहुंच गया, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसका अभी अभी फोन आया था, वो हमसे मिलने आ रहा है। वो आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आइए जी, आइए। तशरीफ रखिए। थैंक यू। हम अभी आते हैं जी। इसके बाद तो क्या हुआ सर? भारती के पास से वो कैसेट मिला। सर हम खूनी दरिंदों की तरह भारती के पीछे पड़े हुए हैं, मगर अभी तक मुझे तुम्हारी वफादारी की कहानी नहीं, वो कैसेट चाहिए, समझे? सर हम कानून को हाथ में लेकर हर गैर कानूनी काम कर जाएंगे। उस कैसेट को हासिल करने के लिए भले ही हमें भारती का खून ही क्यों ना करना पड़े। याद रहे, उस कैसेट के लिए पहले ही 2 खून हो चुके हैं। अगर वो कैसेट नहीं मिला तो ना तो तुम्हारी जिंदगी रहेगी और ना ही तुम्हारी नौकरी, समझे? सर सर हम खूनी दरिंदों की तरह भारती के पीछे पड़े हुए हैं। लगता है दूसरे फोन पर कोई हमारी बातें सुन रहा है। चलो। कहाँ गया? लगता है शेखर ने हमारी बातें सुन ली। उसकी जिंदगी हमारी मौत बन सकती है। चलो चलो। अरे भारती, ये क्या, कहाँ जा रही हो तुम? तुम मेरी फिक्र मत करो, अपने घर बार की सोचो। ये 4 दीवारी तुम्हारा स्वर्ग है। ऊपर वाले ने शायद मेरा पूरा जीवन ही एक जलता हुआ नर्क बना दिया है। अब इस नर्क में जलना, जीना मरना मुझे है, सिर्फ मुझे। तुम खुश रहो। भारती जी, आप फिर आ गए? आज मैं तुमसे कुछ पूछने नहीं, तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। वो दोनों सीबीआई ऑफिसर नहीं है, वो कानून और वर्दी की आड़ में छुपे हुए गद्दार है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, तुम्हारे भाई की मौत के पीछे बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ी साजिश है, और उन गद्दारों के गले में फांसी का फंदा डालने के लिए एक ठोस सबूत की जरूरत है, और वो सबूत। Thank you.
मेरा बच्चा, कुछ बोलता क्यों नहीं तू? क्या हो गया तुझे? तू दिन भर इसे क्या देखता रहता है? हाँ, मेरी तरफ देख, मुझसे बात कर, कुछ तो बोल बेटा। से बचकर भागी भी तो जाएगी तो इसी जीप में। मैंने उसके अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम कर दिया है। रिमोट कंट्रोल का बटन दबेगा, राम नाम सत्य है, भगवान नाम सत्य है। कमिश्नर साहब, क्या इन दोनों का खात्मा भी भारती ने ही किया है? आप खामोश क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? कमिश्नर साहब, क्या वाकई भारती कानून की दुश्मन बन चुकी है? आपकी खामोशी का ये मतलब है कि भारती का इन तमाम हादसों से कोई ताल्लुक नहीं? कमिश्नर साहब, देखिए, शक की बुनियाद पर ही हम कानून वाले यकीन का घर बनाते हैं, इसलिए जब तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग जाता, हम किसी भी नागरिक पर किसी भी किस्म का ना तो इल्जाम लगा सकते हैं, ना ही उसे मुजरिम करार दे सकते हैं, और ना ही कोई गलत बयान दे सकते हैं। इसलिए प्लीज आप लोग सही वक्त का इंतजार कीजिए। कमिश्नर, कौन से सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं आप? भारती एक मामूली सी लड़की कानून का खून करती फिर रही है, कदम कदम पर पुलिस वालों की धज्जियां उड़ा रही है, और आप सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आज दो सीबीआई अफसरों की मौत की जिम्मेदार बन गई, आप सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आई वॉन्ट रिजल्ट, रिजल्ट। यस सर। अब जाकर फंसी हो तुम मेरी जाल में। तुम चिड़िया हो और ये पिंजरा है। मैं ताला खोलूंगा नहीं, पिंजरा खुलेगा नहीं और पंछी उड़ेगा नहीं। यहां से उड़ने के लिए तुम्हें एक बार, सिर्फ एक बार तो मेरे साथ प्यार की गुटरगू करनी ही पड़ेगी।
तुम समझ गई ना? तेरे गंदे इरादों को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। देखा, चाहूं तो मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूं, लेकिन मर्जी में जो मजा आएगा ना, जबरदस्ती में नहीं आएगा। मान जाओ ना, मैं कैसा तुम्हारे लिए नाचा गाया तमाचा खाया, तुम भी मेरे लिए नाचोगी और गाओगी, और मेरे हर हुक्म के सामने सिर्फ अपना सर ही नहीं पूरी बॉडी झुकाओगी। हम सिर्फ एक रात के लिए दुल्हा दुल्हन बन जाते हैं, फिर तुम भी फ्री और मैं भी फ्री। स्टॉप इट, मैं ऐसे कभी नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। तेरी जिद के चक्कर में कहीं उस मासूम की जान चली गई तो? देख, जिस तरह जाल में मछलियां तड़प तड़प कर मर जाती है, ये बेचारा इलेक्ट्रिक के तार में तड़प तड़प कर मर जाएगा। जलकर कोयला हो जाएगा, गोरे गोरे बच्चे का काला काला कोयला। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उस मासूम की जान नहीं ले सकते। तेरे साथ एक रात बिताने के लिए तो मैं ऐसी हजारों मासूम जानों को कुचल सकता हूँ, मसल सकता हूँ। इसकी जिंदगी और मौत इलेक्ट्रिक के इन बटन्स में छिपी है। मौत कौन से बटन में छिपी है, सिर्फ छेड़ा जानता है। इसलिए छेड़ा के लिए गीत छेड़, जवानी भरी अदाओं का तूफान छेड़। चल चल, सोच मत, जल्दी कर वरना मूड बिगड़ जाएगा, हाथ बटन्स पे चल जाएगा। चल अपने हाथ पैर हिला और जलवा दिखा वरना। देखा, मेरा नाम है छेड़ा, मैं येड़ा बन के खाता हूं पेड़ा। टक लिया। We'll be right back.
आजादी की जिंदगी को जलाई के शमशान बना दूंगा। मुझे हमारे भाई की जले हुई लाश की सौगंध, जिस तरह वह हत्यारे ने हमारे भाई को बिजली से जलाई जलाई के मारा है, मैं भी वह हत्यारन को जलाई जलाई के खत्म कर दूंगा। तभी मेरे सीने के अंदर बदली की जो ज्वाला जल रही है वो ठंडी होगी और अपने भैया की आत्मा को शांति मिलेगी। मिनिस्टर, हुक्म दे अपने पुलिस वालों को कि हमें वो लड़की जिंदा चाहिए, क्योंकि ऊ की हत्या हमारे इन हाथों से होगी और ऊ के बाद ही हम हमारे भाई का दाह संस्कार करूंगा। सलाम साहब। हवलदार, ये जीप किसकी है? साहब, वो इंस्पेक्टर विजय की बहन भारती आई हुई है। शिकार खुद शेर की कचार में आ गया। मुझ पर इस शहर के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं सर। नाउमीदी और बेबसी के सिवा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। हम जानते हैं कि तुमने दुर्जन के भाई का खून नहीं किया, वो एक हादसा था। हम ये भी जानते हैं कि वो दोनों सीबीआई ऑफिसर नहीं थे, मैरूपिये थे, मुजरिम थे। हमें ये भी मालूम है कि तुम्हारे भाई की मौत के पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जो तुम्हें भी खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी छत्रछाया में आकर तो तुमने दुश्मनों का खेल ही खत्म कर दिया। अब तुम्हारी रक्षा करना, इस बच्चे की रक्षा करना इस माननीय मंत्री का फर्ज है। मैं अभी एक फोन करके ऐसा इंतजाम करवाता हूं कि इस देश का कोई भी कानून, कोई भी डिपार्टमेंट तुम्हें छू नहीं पाएगा। शुक्रिया सर। तुम आराम से बैठो, मैं अभी इंतजाम करके आता हूं। जी अच्छा। बिहार, इस वक्त भारती मेरे घर में है। उसे खत्म करने का ऐसा सुनहरी मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। Thank you.
सूरज, मुझे इतना तो पूछने का अधिकार है कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि तुम अचानक बगैर बताए अजनबी होकर इतनी दूर चले आए। हाँ, इस कायनात में एक तुम ही हो, सिर्फ तुम, जिसे ये पूछने का अधिकार है, क्योंकि अदालत भी जुर्म की सजा सुनाती है, मगर मैं तो तुम्हें बगैर कसूर के कुछ कह बिना ही मौत से भी बदतर सजा देकर चला आया, इंतजार की सजा। हाँ भारती, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, मैं गुनहगार हूं तुम्हारा, क्योंकि शहर नाम के उस जंगल में दम घुट रहा था मेरा। जानती हो भारती, इन जंगलों में भी शेर शेर को जान से नहीं मारता, हिरन हिरन की हत्या नहीं करता, सुअर सुअर का शिकार नहीं करता, लेकिन उस शहर में इंसान इंसान का शिकार करता है। उस दिन भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था। सलाम साहब, सलाम। पिछली बार जो कोकिन दिया था उसका पेमेंट अभी तक नहीं आया। एकदम रेडी है साहब, लीजिए सर। अरे वाह शेट्टी, लगता है इस इलाके में तेरा धंधा खूब जोरों से चल रहा है। जब पुलिस वाले अपने साथ रहेंगे साहब तो अपना धंधा काय को जोर पर नहीं चलेगा। ये स्पेशल वाला ब्रेड है ना? एकदम स्पेशल वाला ब्रेड है, और एक एक ब्रेड की कीमत 5,000-5,000 रुपए है। 5,000-5,000 रुपए। बहुत खूब, चल जल्दी से एक अच्छी चाय पिला। ओके सर। ए काप्पा, साहब को चाय पिला। जी साहब। मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, आजा, बाहर आजा, ले ये रुपए ले ले, और वो पैकेट मुझे दे दे। आजा बेटे आजा, इस पैसे के बदले में बहुत सारे ब्रेड खरीदना और फिर पेट भर के खाना। आजा 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 आजा। Yeah.
इज नॉनसेंस। हां, एक पुलिस वाले के साथ ऐसा बर्ताव करेगा तो जनता में हमारी क्या इज्जत रहेगी? सर, ये पुलिस वाला हमारे माथे पर एक कलंक है, हमारे डिपार्टमेंट के सीने पर उतरा एक जहरीला खंजर है। इसने एक मासूम बच्चे की हत्या की है। सर, ये झूठ बोल रहा है, मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा है। अगर यही बात है तो चलिए मेरे साथ जहां बच्चे की लाश पड़ी है, आइए। वो बच्चा चोर था, वो उस कैंटीन से 2000 रुपए चुरा के भागा था। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप उस कैंटीन के मालिक से पूछ लीजिए। हाँ साहब, वो छोकरा मेरे गले से 2000 रुपए लेकर भागा साहब। सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से उस बच्चे को ऊपर से नीचे फेंकते हुए देखा है। सर भला मैं उस मासूम बच्चे को ऊपर से नीचे क्यों फेंकूंगा? इसीलिए कि उस बच्चे ने ब्रेड में छुपा हुआ कोकीन का पैकेट देख लिया था। कौन सा कोकीन, कौन सा पैकेट? वही जो तुम इसके साथ मिलकर धंधा करते हो। अगर यही बात है इंस्पेक्टर सूरज, तो मैं अभी और इसी वक्त इसे सस्पेंड कर दूंगा। सर, ये मेरी वर्दी पर कीचड़ उछाल रहा है, अगर ऐसा ही है तो इससे कहिए कि उस ब्रेड में से ये कोकीन निकाल के दिखाए, और अगर कोकीन निकल आता है तो मैं ये नौकरी और वर्दी क्या ये शहर ही छोड़ दूंगा। यही बात है ना, आइए मेरे साथ। आइए सर। देखिए सर, इनफ इज इनफ सूरज। एक पुलिस वाला होकर एक पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में मैं तुम्हें चार्जशीट करता हूं। मैं इस नौकरी से रिजाइन करता हूं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जहां सच्चाई की आंखों में झूठ के कांटे बिखेर दिए जाते हैं, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, बेईमानी के धंधे में दबकर कानून, वर्दी, फर्ज सबके सब बेजान मूर्ति की तरह पड़े हैं। सूरज, आपके कानून को मेरा आखिरी सलाम। ये मर गया बेचारा। अरे इसके क्रियाकर्म का बंदोबस्त करो, ये तो बेचारा लावारिस है। नहीं, ये लावारिस नहीं है, इसका वारिस मैं हूं। उसी दिन कसम खाली मैंने कि अब शहर लौटकर उसी दिन जाऊंगा जिस दिन मैं अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लूंगा कि बेईमानी के ठेकेदारों को सरेआम पीछे चौराहों पर जिंदा जलाने के काबिल बन जाऊंगा। रिश्वत के तराजू में देश का कानून बेच बेच कर रोटी खाने वाले उन अफसरों को सफाई हस्ती से मिटाने के काबिल बन जाऊंगा। उसी दिन शहर की जमीन पर कदम रखूंगा। इसलिए दूर कर लिया सारी दुनिया से अपने आप को, जज्बात, प्यार, मोहब्बत, वादे, कस्में, मुंह मोड़ लिया सबसे, गला घोट दिया अपने अरमानों का। और शायद यही वजह है कि तुमसे भी मिले बगैर ही चलाया मैं, क्योंकि मुझे डर था कहीं तुम्हारे आंसू मेरे पैरों की जंजीर न बन जाए। अब तुम बोलो, क्या अभी तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? शिकायत गैरों से की जाती है, अपनों से नहीं। भारती जहर की पुड़िया है। जिस दिन वो जहर हमारी दुनिया में फैल गया तो समझ लो हम सबकी जिंदगियां मौत के कफन में लिपट जाएंगी। जाओ, किसी भी तरह वो जहां भी हो उसे तलाश करो। अरे ओ मैम साहब, क्या है? गरम हीटर के पानी से नहाने वालों को पहाड़ों के ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहिए। 102 का जबरदस्त बुखार चढ़ सकता है। मेरी मानो तो अंदर जाओ और गर्म पानी से नहा लो। अरे देख क्या रही हो, अंदर जाओ। ऐसे पहले अपना मुंह घुमाओ।
लो। और सुनो, अलमारी में कुछ कपड़े पड़े हैं, जो भी पसंद आए पहन लेना। तब तक मैं तुम्हारी इस मोटर बाइक का बुखार उतारता हूं। इसे भी खांसी और नजला हो गया है। गई? अरे गई क्या? हाँ, अब घूम जाओ। बेटा डरो मत, मैं हूं। आजा, आ आ बेटा, आजा मेरे पास, आजा। हाँ, इसे हो क्या गया है सूरज? हाँ, लेकिन मैं वो तुमसे नहीं, इस लाल रंग से डर रहा है। तुम्हारे आगे बढ़ने से शायद मुन्ना और घबरा सकता है। सब्र से काम लो। जो हादसा इसकी नजरों से होकर गुजरा है, उसने उसके दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है। शायद इसके सोचने, समझने और बोलने की शक्ति वापस आ सकती है। सच सूरज, क्या मुन्ना पहले की तरह अपनी होश आवाज में आ सकता है? आज के इस हादसे से कुछ उम्मीद सी बन गई है। सूरज, जब से मुन्ना खामोश हुआ है, मेरी तो दुनिया ही गूंगी हो गई है। भगवान ने चाह तो मुन्ना बोलेगा, जरूर बोलेगा। तुम जाओ। लेकिन आओ आओ। शाबाश। सो जा सनी, बहुत रात हो चुकी, सो जा। पापा का खून किसने किया?
किसने किया तुझे पता है ना? बोल ना, बोल ना मुन्ना, बोल ना मुन्ना, बोल ना। संदीप, पूछ ना उसे। इसने भाभी और भैया का खून होते देखा। पागल हो गई तुम? पागल हो गई क्या? होश में आ भारती है। इसका दिमाग अभी अभी सदमे से बाहर आया है। उस हादसे के बारे में सवाल करने से दिमाग पर असर पड़ सकता है। हो सकता है ये फिर से उसी हालत में चला जाए और फिर कभी लौटकर अपनी नॉर्मल हालत में वापस ना आ सके। इसलिए सब्र से काम लो भारती। कम ऑन, रिलैक्स रिलैक्स। मुन्ना, सनी, मुन्ना, 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 सनी, प्यार ही प्यार है जिंदगी में ऐ सनम, हर खुशी मिल गई अब नहीं है कोई गम। लबों पे रहेगा यही तराना, गाते रहेंगे हम सदा यही सरगम। प्यार ही खोने
लबों पे रहेगा यही तराना, गाते रहेंगे हम सदा यही सरगम। प्यार ही वाले से दुआ करना कि तू कभी शहर लौट के ना आए। देख हम आ गए हैं जंगल में तेरी चिता जलाने। पिस्टल मेरे हाथ में है और मौत तेरे सर पे। उस दिन की एक एक चोट एक एक जख्म का हिसाब वसूल करूंगा मैं तुझसे। आज दर्द और चीखों के दरमियान बेसहारा तड़प तड़प कर दम तोड़ेगा तू। अगर ये मुझ पर हाथ उठाए तो तुम लोग इस पिल्ले के चीथड़े उड़ा देना। प्यारी प्यारी चीखों को संभाल के रख, तेरी चोटों और जख्मों पर चिल्लाने के काम आएंगी। अब बता वो वीडियो कैसेट कहाँ है? कौन सा वीडियो कैसेट? वही वीडियो कैसेट जिसकी वजह से इंस्पेक्टर सचिन की जान गई। वही वीडियो कैसेट जिसकी वजह से तेरा भाई मारा गया। वही वीडियो कैसेट जिसकी वजह से तेरी भाभी का कत्ल हुआ। वही वीडियो कैसेट जिसमें हम सब के जुर्म छुपे हुए हैं। अब मैं समझी तुम सब लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़े थे। बोल वो वीडियो कैसेट कहाँ है? बता कहाँ छुपा रखा है वो? मुझे इस कैसेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और अगर मालूम भी होता तो मैं अपनी जान दे देती।
लेकिन तुझे कुछ नहीं बताती। तुझे सब पता है। बताओ वीडियो कैसेट कहाँ छुपा रखा है? बता। अंकल। मुन्ना और कैसेट को लेकर यहाँ से चली जाओ। नहीं सूरज, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें मुन्ने की कसम, मेरे प्यार की कसम, चली जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ जाओ। सनी, तुम यहीं बैठे रहना। हाँ, मैं भी आई। जा। मुझे सिर्फ वो कैसेट ही नहीं, उस पिल्ले के साथ वो हरामजादी भी हर कीमत पर चाहिए। सारे जंगल का चप्पा चप्पा जानवरों, जाओ। मंत्री, तने कान खोल के सुन लियो। वो जो हमारे भैया की कातिल थी ना, जिसकी हमका बहुत जोर तलाश थी, वो खुद ब खुद हमारे लल्ला की लाश पर बलि चढ़ने आ रही है। लेकिन वो कैसे? सुनो मंत्री, हम चाहू ना तो तुम्हें भी बलि 2 मिनट में चढ़ा सकता हूं। कारण वो जो फिल्म का कैसेटवा तुम बहुत बेचैनी से ढूंढत हो, वो हमारे पास है। क्यों, हिलने लग गई ना कुर्सी? अब बिना हिले कुछ सुनो ओ मंत्री। तुम चाहते क्या हो? भारती को हम तक जिंदा पहुंचाने की गारंटी तुम्हारी। अपने आदमियों से कह दो भारती को हमारे घर तक पहुंचने का सही मार्ग दे दे, वरना ये कैसेटवा तुम्हारी गर्दन में बंधा फांसी का फंदा तो है ही।
और फिर हम जैसन जल्लाद का कहां भरोसा। चलाई चलाई के मारा है, तोरी जिंदगी को तड़पाई तड़पाई के खत्म कर दूंगा, तभी हमारे भैया की आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारे मरने के बाद ही हम अपने भाई का दाह संस्कार करूंगा। मेरा मुन्ना तेरी जिंदगी की ढाल बना हुआ है, वरना अब तक तो मैं तेरा और तेरे भाई दोनों का अंतिम संस्कार जरूर कर देती। मौत के मुंह में खड़ी है और जवान चलाती है। हालात ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना मैं ये हाथ भी जरूर चलाती। ललकारती है, तू हमसे लोहा लेगी, मां भवानी की सौगंध, हम तो का जमीन मां जिंदा कर दूंगा। अगर तू बाकी मर्द का बच्चा है तो मुकाबला कर मुझसे। तू औरत जात होकर हम का चैलेंज किया, मर्द का चैलेंज किया। अरे तूने अभी औरत के बदले हुए तेवर देखे कहां है? अगर तू अपनी माँ का ही लाल है तो चल खत्म करके दिखा मुझे। Hey!
क्या कर रहा है बेटा? मैं सच कह रहा हूँ, इसी ने मेरी मम्मी और पापा का खून किया है। आप? हाँ भारती, बच्चे झूठ नहीं बोला करते। कत्ल करना कोई नहीं चाहता, हालात करवाते हैं। मुजरिम बनना कोई नहीं चाहता, वक्त बना देता है। मतलब भैया और भाभी को? सिर्फ उनका ही नहीं भारती, उस जर्नलिस्ट का खून भी हमारे हाथों हुआ, और वो तुम्हारे भाई का दोस्त, उसे भी हमारे ही लोगों ने मारा था। लगता है ऊपर वाले ने तुम सबकी मौत इन रेखाओं में लिखकर भेज दी है, और आज मैं तुम सबका अंत कर दूंगा। तुम जैसे मुजरिमों से टकराने के लिए सूरज कानून की दुनिया से बहुत दूर चला गया था, और उस दिन लौट कर आने का वादा किया था जिस दिन मैं तुम जैसे पापियों को खत्म करने के काबिल बन जाऊं। आज तुम्हारा अंत आ गया सूरज। एक ग्लास कड़वे पानी में एक दाना शक्कर डालने से पानी मीठा नहीं हो जाता। लाओ कैसे हमारे हवाले कर दो, वरना हमारे एक इशारे पर इतनी गोलियां चलेंगी कि तुम तीनों के चीथड़े उड़ जाएंगे। लाओ। Thank you.
जुर्म की जड़ें जब फैलती हैं तो समाज के रक्षकों को भी अपनी जकड़ में लेकर मुजरिम बना डालती हैं। लेकिन जुर्म चाहे जिस भेस में भी हो, कुछ निगाहों से छुप नहीं सकता। और सबूत के तौर पर इस कैसेट ने सिपाहियों के खाल में छिपे गद्दारों को सजा दिलवाकर पुलिस का झंडा जुर्म के सीने में गाड़ दिया। हालांकि कानून ने उन दो जाबाजों को भी दो दो साल की सजा सुनाई, लेकिन उनकी तारीफ भी की जिन्होंने पुलिस फोर्स के सर पर जीत का ताज पहना दिया। प्यार ही, प्यार है,